Please go ahead. You can go ahead with your questions, go and empower me. And you have questions, right? Yeah. ऐसे बोलते हैं कि फीमेल जो एक्ट्रेस होती हैं और जो मेल एक्ट्रेस होते हैं तो उनका जो फीस रहता है वो हमेशा मेल जो मेन कैरेक्टर उसको हमेशा मेल ही रहता है फीमेल हमेशा सेकेंडरी वो डिपेंड करता है एक्चुअली कि उनकी पोजीशन क्या अगर वो को एक्टर है फॉर एग्जांपल ऑफ अ पर्टिकुलर मूवी तो ऑफ कोर्स एक्टर्स को ज्यादा पे मिलेगा एज कंपेयर टू को एक्टर बट दोनों लीड हैं फिर भी अगर फीमेल को अगर लेस मिल रहा है तो ये अभी भी हो रहा है नहीं फिर डिपेंड्स ऑन द पर्सनल एक्सेप्टेंस हम लोग अगर बात करो आज के प्रियंका चोपड़ा की ठीक है अलग आइडेंटिटी क्रिएट करके रखा है उसने हाँ फिर ऐसी बहुत सी हीरोइन है टबू उनकी मूवी आप देखो उसका एक अलग होदा है मूवी में वो है तो वो इम्पैक्टफुल काम उसका एक अलग रोल दिखता है वहाँ पर राइट और ये एक और हीरोइन मुझे नाम याद नहीं रहा उसका मूवी आया था क्वीन करके क्या नाम है तो ये सब हीरोइन जो है उन्होंने अपना होदा खुद बनाया है इंडस्ट्री में तो ऐसा नहीं है वो डिपेंड्स है वो लड़की ने पहले से सोच लिया कि मुझे ये बिफोर मी समथिंग हम लोग एक इमेज क्रिएट करते हैं हम पर चाहते हैं कि हमको इनके साथ काम करना है ये रोल पे हमें काम करना है तो वहाँ पे कोई एक्ट्रेस का इमेज कर लिया कि मुझे भी कार्तिक आर्यन के साथ रोल चाहिए उसको वही भी लगा ना फिर ये लोगों ने खुद के लिए सोच के रखा मुझे चैलेंजिंग रोल चाहिए तो उनको चैलेंजिंग रोल मिल गया सो बिफोर स्टार्टिंग समथिंग आप लोगों को कुछ कई टॉपिक पे डिसाइड करना है कहाँ पे आपको क्या करना है कैसा रोल चाहिए And never be over confident in a particular field, है ना? To be very honest, because I don't remember कि कार्तिक आर्यन की बात हुई है, जो कार्तिक आर्यन को धर्मा प्रोडक्शन को से कॉल आया and they offered three films to कार्तिक आर्यन and back to back and कार्तिक आर्यन was very good at that time. So अब चीज ये थी, अभी जो मूवी आई है गुड न्यूज पता है? गुड न्यूज में हीरो और हीरोइन कौन है? पहले जब ये जो फिल्म थी ये ऑफर की गई थी कार्तिक आर्यन को ये कहा ये डिस्कशन पे था कि कार्तिक आर्यन को बोला गया था कि अपनी मूवी करनी है अक्षय कुमार भी है एंड कार्तिक आर्यन गॉट सो ओवर एक्साइटेड कि उसने क्या किया उसे सोशल मीडिया में ये बात कर दी कि उसको एक नई फिल्म मिली है जिसमें लीड हीरोइन करीना कपूर है ये बात जब करण जौहर को मालूम पड़ी तो उसको बहुत गुस्सा आया उसने उस फिल्म से उसको निकाल दिया क्योंकि डिस्कशन लेवल पे था उस डिस्कशन लेवल पे उसने कन्फर्म कर दिया मीडिया सोशली अब सोशल पे हर कोई चीज़ अगर आ जाए तो कितना बवाल मच जाता है तो अब जब करण जौहर को मालूम पड़ गया उससे और फिल्म से उसे निकाल दिया एंड दस द मेन थिंग वॉज जो रेस्ट टू मोर मूवीज जो उसको अलॉट की गई थी बैक टू बैक वो भी कैंसिल हो गई क्यों कैंसिल हुआ पता है ओवर कॉन्फिडेंस डिस्कशन पे अगर कन्फर्म नहीं हो एंड यू आर डूइंग ऐलान एट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो डेफिनेटली वो ओवर कॉन्फिडेंस आपको लीड होगी चाहे वो बिजनेस पर्सपेक्टिव हो या कहीं पे भी यू नो अभी कार्तिक आर्यन के बाद कहीं पे ये तो क्या वो है देख रहा है सब अबाउट द माइक इफ समवन आस्क एनी क्वेश्चन कैन आस्क द माइक इन दिस अबाउट द कार्तिक आर्यन इशू यू टोल्ड सो यू टोल्ड दैट इट वाज बिकॉज़ ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि वो ओवर एक्साइटमेंट की वजह से भी हो सकता है सर या ट्रू ओवर एक्साइटमेंट की वजह से एक्साइटमेंट में उन्होंने मीडिया पैनल के सामने ये रिवील कर दिया इट्स नॉट ओवर कॉन्फिडेंस एक्चुअली है इफ यू हैव बीन सेड कि आपको धर्मा प्रोडक्शन में इंटर्नशिप मिल रही है अभी तक बात हो रही है आपने सारे फ्रेंड्स को बोल दिया कि मुझे मिल गई कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया बहुत ज़्यादा हो गया क्यों बहुत ज़्यादा हो गया बट वो ओवर एक्साइटमेंट मुझे कंट्रोल करनी है मैं तब तक नहीं बताऊँगा जब तक मुझे मिलेगी नहीं चीज़ ऑफर ये सब चीज़ों में कहीं हर जगह पे सीक्रेसी होता है कॉन्फिडेंशियलिटी जो बोलते हैं ना उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती है बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती है प्रोड्यूसर होते हैं
राइटर होता है, सब लोगों को कन्विंस करके एक प्रोडक्ट तैयार होता है, प्रोजेक्ट जो तैयार होता है प्रोजेक्ट बेस पे, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें बाहर मार्केट में नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए हो सकता है कि उनका कोई भी इंटरनल ये रहेगा कि भाई ये चीज़ हमें बाहर अभी फैलानी नहीं है, बिकॉज ऑफ देट उन लोगों को सीक्रेट रखना था, वो बात को वायलेट किया, तो